हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइटामा कॉइन के बारे में। अब गाइस यहां पर अगर हम देखें तो साइटामा कॉइन ऑल टाइम हाई से 91% यहां पर डिक्रीज है। पिछले 30 डेज का अगर हम यहां पर चार्ट देखते हैं तो आप लोग देख सकते हो कंटिन्यूसली डाउन आ रहे हैं, लेकिन क्या अपडेट से जो साइटामा कॉइन को ऊपर लेके जा सकती है। अभी करंट टाइम पे अगर हम मार्केट की सिचुएशन देखें तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा डाउन है मार्केट ऑल टाइम हाई से। अब गाइस अगर हम यहाँ पर करंट प्राइस देखें तो 0.5x0105 का प्राइस देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें 103 बिलियन रुपीस का चल रहा है। टोटल सप्लाई की बात करें 100 क्वाड्रिलियन है सर्कुलेट में, 44 क्वाड्रिलियन है, 56% सप्लाई इसकी ऑलरेडी बर्न हो चुकी है। ऑल टाइम हाई से 91% डिक्रीज है। चार्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा डाउन जा चुका है, 30 डेज में 39% डिक्रीज है। अगर हम यहाँ पर टोटल लिस्टिंग की बात करें 14 है और अपने जो ऑल टाइम लो से अब तक इसने 54,000% का प्रॉफिट दिया आप लोगों को। नेटवर्क को यूज़ करता है इथेरियम और बर्न सप्लाई है 56%। एंड गाइस यहाँ पर लॉन्च है साइटा मास्क, जो अगर हम देखें जो कि अपडेट्स है वो यहाँ पर साइटा मास्क की अपडेट हो चुका है। एंड जो साइटा मास्क आया था उसको न्यू वर्जन में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें आप अपडेट्स के अंदर देख सकते हो लॉन्च न्यू टोकन साइटा रियलिटी। एक इनका टोकन भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है साइटा रियलिटी, जो कि इनके ही इकोसिस्टम पे आया है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर अपडेट्स में साइटा मास्क, साइटा स्वैप एंड स्टार्ट स्वैपिंग, जो कि साइटा मास्क है उसको इन्होंने अपडेट कर दिया, उसके अंदर स्वैपिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या साइटामा कॉइन आगे चल करके कुछ परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है, अभी करंट टाइम पे पूरी मार्केट ग्लोबल डाउन है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर लॉस में पैनिक में आकर के सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध है उसकी वजह से मार्केट डाउन देखने को मिल रही है। साइटामा वर्सेस शिबा इनू कॉइन का अगर हम प्राइस यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को कंपेयर करें साइटामा इनू कॉइन से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग 174 है, प्लस ये टॉप 15 में आता है, टॉप 15 रैंक में, 15 नंबर पे चल रहा है। सप्लाई की बात करें सिर्फ 549 ट्रिलियन है, और अगर हम इसकी बात करें सिर्फ 15 लिस्टिंग हुई है। सर्कुलेट सप्लाई की बात करें 44 क्वाड्रिलियन है। अब गाइस कोई भी कॉइन जो मार खा जाता है वो उसकी मेन रीज़न होता है कि वो सप्लाई बहुत कम रखता है, और यहाँ पर वो अगर हम देखें वही चीज़ यहाँ पर साइटामा के साथ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम हाइप की बात करें, हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट है यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की। अगर अकॉर्डिंग टू हम साइटामा कॉइन की बात करें, बहुत कम लोग अभी साइटामा के बारे में बात कर रहे हैं। साइटामा कॉइन अभी कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाया है, वही रीज़न होता है कि जब तक कोई कॉइन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। एंड गाइस सप्लाई को इन्हें बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, अभी और भी बर्निंग होनी चाहिए। इसके पास अगर हम देखें बिग कम्युनिटी है, उसके अलावा यहाँ पर देखें तो बिग बर्निंग है। एंड गाइस यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया है साइटामा कॉइन, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे है शिबा इनू कॉइन से। और हम ये नहीं कहते कि कोई भी कॉइन शिबा इनू कॉइन की जैसा ही बन के रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली हर कॉइन के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। एंड गाइस हर कॉइन में आप लोग अच्छे से रिसर्च करो। हम देख यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप लोग यहाँ कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रिप्टो मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।